वार्ता में पीड़ित मुकेश ने रुंधे गले से बताया कि उनके पिता रामजी लाल का गांव बिछोर में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने उसके पिता की 8 अप्रैल को उस समय हत्या की जब वह खेतों पर सो रहे थे। आरोप है कि पीड़ित परिवार की जमीन को हथियाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। मुकेश ने बताया कि उसके पिता की हत्या की शिकायत पुलिस को दे दी गई, पर पुलिस ने इस मामले में किसी के खिलाफ मामला दर्ज ना कर चुप्पी साध रखी है। का मर्डर किया है जी, जंगल में रात को खेत भराने कर रहे थे इदरीस की सुबान की लाइन से, तो वो भी देखने के लिए रात को बार बार आता। मैं सुबह जब चाय लेकर गया 7 बजे तो मेरे पिताजी का मर्डर हुआ पाया। उसकी आँख भी फोड़ रखी थी, ये हाथ सब जला रखे थे। बड़ी बेरहमी से किसी ने कत्ल किया आज। तो कब की ये बात है? 8 तारीख की है जी। तो आपने पुलिस में इसकी सूचना दी थी? पुलिस आप आई थी जी, हम तो खेत पर नहीं थे, जेलदार भी आया था, पुलिस भी आई थी, मैंने तो घर फोन किया था। तो पुलिस ने किस तरह का मुकदमा दर्ज कराया, आप किस तरह का मुकदमा लिया? SP के लिए दिया है। अब वहाँ पुलिस तो कोई कार्रवाई नहीं करती, वहाँ तो सब बिका हुआ है, और हम जाते तो हमें वहाँ से भगा दिया जाता, 6 महीने बाद आना। और जब मेडिकल के लिए सैंपल धरा है, वो पोस्टमार्टम होकर आया था, वो भी थाने में धर रखा, खराब हो जाएगा, वो सब मिली भगत है जी। प्लानिंग से मेरे पापा का मर्डर किया है कम से कम 8-7 लोगों ने। तो जो नू पुलिस है, नू SP से आप मिले हैं, उन्होंने क्या कहा इस बारे? कुछ दिन से भगत डोल रहे हैं, कल मिले हैं, कल उन्होंने कहा, आश्वासन दिया हमें। क्या आश्वासन दिया? कह रही थी भाई कार्रवाई होगी, और अब कार्रवाई होगी ये बोला है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जी अब भी जाके वहाँ, मतलब वो पुलिस आए, मोखा मुआना देखा जाए, कुत्ता पुलिस आके अब भी इंक्वायरी करे, और CBI इंक्वायरी करे जी। वहाँ हमारे पास ना तो कोई गवाह ना कुछ है, वहाँ हम अल्पसंख्यक हैं, हम दोनों माँ बेटा रहते हैं और कोई रहता नहीं है, और हमारी जान को पूरा खतरा, हम नहीं तो गांव से प्लान कर जाएंगे, हमारी सेफ्टी की जाए वहाँ पर। तो आपके साथ में किसी के साथ कोई रंजिश है पुरानी? कोई भी राजी नहीं है जी, हम वहाँ मशुराओं से इकले दुबले हिंदू घरों को वहाँ से भगाया जा रहा है, मेवात से परेशान किया जा रहा, हमारे से पहले 2 दिन पहले और मर्डर कर दिया, कोई गवाह नहीं होता, सब एक रहते हैं वहाँ पर। तो नहीं, कोई रंजिश है आपकी? सब पड़ोसी नहीं जी, वो तो सब मशवरा करके जी रंजिश रखते हैं, कोई भी हिंदू सबसे इकले दुकले से मशवरा, जो भी इकला घर है उससे रंजिश रखते हैं, किसी को बिल्कुल भी राजी नहीं है। और हमारी मौत का जिम्मेदार कोई भी चांस होता तो जेलदार फतौली है, फतौली का भाई अयूब है, वो वकील है, वो फिरोजपुर जुर्काम है, वो सारी अकलों को वही बताता है, उनका कोई कुछ सारी साजिश सुन के वो कुछ बिगाड़, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वकील उनके पास, सरपंच उनके पास, जेलदार वो, पुलिस उनके पास, हमारी कोई नहीं सुनाई जाती। कितने लोग इसमें शामिल है और किस कम तरह से कम 8-7 लोग शामिल हैं इसमें। बड़ा पूरी रात तो टॉर्चर किया आज मेरे पापा को, बड़ी बेरहमी से मारा है। मेरा पापा पहले RSS में रहता था, पर बड़ी बेरहमी से मारा आज उसे, पहले भी उसे धमकियां दी थी, कह रहा था बेटा जान को खतरा है, कभी मेरे साथ ऐसा चांस हो जाए तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, यही लोग कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस को क्या शिकायत दी थी आपने जी? हमने जी, तो जब पुलिस आप पहुंची थी जी, जब हमने कई बार SP बोला और उस पुलिस को बोला जिसके पास कुत्ता होते हैं, सरपंच भी वहीं था और SHO वहीं था, उनसे हमने कही, वो वहाँ से आ गए, उन्होंने कुछ नहीं बुलाया, हमने खूब कहा था कि SP को बुलाओ और उस पुलिस को बुलाओ जिसके पास कुत्ते होते हैं, तो मर्डर की जब ही छन जाता, सब बात को दबाने की कोशिश कर रहे थे, बिजली से मरा, 2 किला दूर मेरे डैडी की लाश पाई थी, हमें जला रखा सबूत मिटाने के लिए। सरपंच क्या कहता था तुम? जब तो सरपंच कह रहा था हम पंचायत जुड़ेंगे, दूध का दूध करेंगे, मुजलिमों को पकड़ के देंगे, अब उसके बाद कुछ नहीं है, उसकी लड़की सरपंच है, उसकी शादी हो गई, वो सरपंच आप कर रहा, और अब हमारी जान को पूरा खतरा है, वही हमारी मौत के जिम्मेदार है, हमारे साथ कोई भी घटना घटती है तो वही जिम्मेदार है, उसके परिवार में से है जिन्होंने मर्डर किया सरपंच के में से। वह रामजी लाल के दूसरे पुत्र ब्रह्म का कहना है कि आरोपी पहले भी उन्हें गाँव छोड़कर जाने की धमकी देते थे, उन्हीं के डर से वह स्वयं गांव छोड़कर होटल में पिछले कई वर्षों से रह रहा है, इन्हीं के आतंक से वह गांव कई सालों से नहीं गया। पीड़ित का कहना है कि उनके पिता जीते जी उन्हें इन्हीं लोगों से अपनी जान का खतरा बताते थे। इस मौके पर मौजूद मुनीश भारद्वाज ने भी पीड़ितों के मामले को दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया पुलिस कप्तान को 30 अप्रैल को दोबारा आरोपियों के नाम सहित शिकायत दे दी गई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर।